जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं। मुहाना थाना पुलिस और कमिश्नरेट के क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी सफलता यहां पर हासिल हुई। मुहाना मंडी में 10 लाख रुपए की चोरी का पर्दाफाश यहां किया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को सवाई माधोपुर से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बीते सप्ताह ये चोरी की वारदात हुई और सीसीटीवी में कैद हो गई थी पूरी चोरी की वारदात। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अशोक गुप्ता के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई हुई। फिलहाल पुलिस जो है आरोपियों से पूछताछ में जुट चुकी है। जयपुर से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पुलिस ने यहां पर चोरों के गिरोह का एक पर्दाफाश किया। मुहाना मंडी में 10 लाख रुपए की चोरी की जो घटना थी उसका यहां पर पर्दाफाश किया है। 4 आरोपियों को इस संबंध में गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ में जुटी हुई है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, बताएं क्या पूरी अपडेट, इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है? देखिए जैती, जब सीसीटीवी में जब ये पूरी वारदात कैद हुई थी, चूंकि बीते सप्ताह की पूरी घटना है, जब यहाँ पर एक शख्स है जो मुहाना मंडी के अंदर आता है और यहाँ पर ध्यान भटका करके यहाँ पर एक आड़ती है, उसकी जो रैक में से उसकी रैक के अंदर से 10 लाख रुपए की जो गड्डी होती है वो लेकर के यहाँ से वो फरार हो जाता है। सबसे अहम बात ये थी कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये भी जानकारी सामने आई थी, अकेला नहीं था इस वारदात को अंजाम देने में, इसके साथ 4 शख्स थे, जिसमें से 3 जो शख्स थे वो दुकान के बाहर खड़े हुए थे और एक जो शख्स था उसने ध्यान भटका करके ये पूरे 10 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो इस पूरे मामले की जांच की जो क्राइम ब्रांच को सौंपी गई, और उसके बाद जयपुर कमिश्नरेट की जो क्राइम ब्रांच टीम थी वो लगातार इन बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही थी, तो पता चला एक राजधानी जयपुर शहर के अंदर एक बावरिया गैंग है जो बीते दिनों से सक्रिय है और लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रही है। चूंकि लॉकडाउन में ढील दे दी गई है और इस ढील के बाद ये तमाम जो बावरिया गैंग है वो इन वारदातों को अंजाम देने की फिराक में अलग अलग बाजारों में जा रहे थे, और इसी के चलते ये लोग मंडी में पहुंचे, और मंडी में जब इन्होंने यहाँ पर रैकी की तो पता चला इस दुकानदार के पास काफी मात्रा में कैश आता जाता है प्रतिदिन का, और इसी के चलते उन्होंने योजना बनाते हुए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। और जब पूरी मामले की जांच पड़ताल जब कमिश्नरेट की जब क्राइम ब्रांच टीम कर रही थी तो उनको यहाँ पर सवाई माधोपुर के इन बदमाशों के इसके होने की सूचना मिली, और उसके बाद पीछा करते हुए जो क्राइम ब्रांच की टीम थी वो सवाई माधोपुर पहुंची, और उसके बाद इन्होंने 4 आरोपियों हैं जो बावरिया गैंग का गिरोह है पूरा इस वारदात को अंजाम देने वाला, उसको अरेस्ट किया, जिसके अंदर रामा उर्फ राजेंद्र है, इसके अलावा चूचा और राजेंद्र बादल है, और समेत 4 जने हैं जिसमें 3 तो सवाई माधोपुर के हैं और एक शख्स है जो भरतपुर का रहने वाला है। फिलहाल इनसे पूछताछ हुई है। पूछताछ के बाद इन्होंने करीब 2 दर्जन से ज्यादा नकबजनी और यहाँ पर ठगी की और चोरी की वारदातों को अंजाम देना इन्होंने कबूल किया है। इसके अलावा जो 10 लाख रुपए जो चोरी किए थे उसकी जो कुछ मात्राएं हैं इन बदमाशों से बरामद हो चुकी है। फिलहाल क्राइम ब्रांच का सबसे अहम यहाँ पर जिम्मेदारी यह है कि जो पूरे जो रुपए थे जो चोरी हुए थे उनको बरामद करना है, ये उनके लिए चैलेंजिंग है, जिसके लिए यहाँ पर जो लगातार क्राइम ब्रांच की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। बिल्कुल जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया यादवेंद्र।